हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टेटिक्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका अगर आपने पार्ट वन अगर नहीं कंप्लीट किया है तो उसे जाके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पूरे पार्ट वन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पिछले के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है उसमें, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया गया, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम पार्ट टू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हम क्वेश्चन पे आते हैं। मौखिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब बताना है और इसके प्रकारों का वर्णन करना है। इसमें आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार में अंतर बताइए, डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछता है। सो इसमें आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कि औपचारिक संचार से आप क्या समझते हैं या अनौपचारिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल बीकॉम के रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और जिसकी प्रीवियस ईयर पेपर की प्रीलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कम्युनिकेशन की। सो उसे आप अच्छे से कंप्लीट देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है कि 90+ मार्क कैसे स्कोर करना है, उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यावसायिक पत्रों के तत्वों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर के बारे में आपको बताना है, इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि व्यावसायिक पत्रों का नमूना दीजिए। तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है एग्जाम में, अक्सर ये लॉन्ग में पूछेगा, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आप लिख लीजिए कि नमूना भी बनाना है, तो नमूना के बारे में आप कर लीजिएगा उसे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित संक्षेप में वर्णन कीजिए, फैक्स, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अक्सर पूछता है, तो ईमेल और फैक्स भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सो हम नेक्स्ट पे आते हैं, आधुनिक समय में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका नया है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया के बारे में आपको पूछा है, तो अक्सर सोशल मीडिया के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी होता है लोगों को। सो आपको सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से नोट्स रेडी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनने से आपका क्या मतलब है, सुनने के उद्देश्य के लाभों का लाभ बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग के बारे में बतानी है आपको, एंड इसके आपको एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव्स बतानी है। सो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये मौखिक से पूछता है, तो संप्रेषण का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनने से आपका क्या मतलब है। तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है सुनना भी, तो इसी ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। सो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से ज्वाइन होकर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, तो आराम से पूछ लीजिएगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।